हेलो एवरी वन आई एम आशी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ह्यूमिडिटी ओके इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेसिपिटेशन देखा था अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं ह्यूमिडिटी ओके एकदम बेसिक से देखेंगे ह्यूमिडिटी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट इन द एयर वाटर वेपर द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज जनरली इनविजिबल टू द ह्यूमन आइस ठीक है सो so, ह्यूमिडिटी क्या है एयर में हवा में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना ह्यूमिडिटी है ठीक है जो वाटर की गैसियस स्टेट है मतलब वाटर वेपर हवा में जो प्रेजेंट है वो क्या है ह्यूमिडिटी ओके इफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर द ह्यूमिडिटी विल बी हाई द हायर द ह्यूमिडिटी द वेटर इट फील्स आउटसाइड ठीक है जितने ज़्यादा एयर में हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ठीक है उतनी ज़्यादा नमी होगी हमारे वातावरण में ठीक है टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स की होती है एप्सलूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो सबसे पहले देखते हैं हम एप्सलूट ह्यूमिडिटी इसमें क्या है द एप्सलूट ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर इन ग्राम पर क्यूब मीटर जैसे कि देखिए ये क्या है एयर ओके इसका हमने एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया मतलब इस एयर का एक इतना हिस्सा हमने ले लिया ठीक है अब इस इतने हिस्से में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं ये उसकी क्या हो जाएगी एप्सलूट ह्यूमिडिटी ठीक है मतलब कि इतने एरिए में से हमने एक एरिया ले लिया ओके और इसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे वो क्या होगी हमारी एप्सलूट ह्यूमिडिटी ओके द हायर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द हायर द एप्सलूट ह्यूमिडिटी ठीक है जितने ज़्यादा इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा एप्सलूट ह्यूमिडिटी होगी ओके इसको हम किस में मेज़र करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर ग्राम पर क्यूबिक मीटर ठीक है इसमें हम एप्सलूट ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं ओके okay. ये रहा इसका फॉर्मूला एप्सल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल मास वाटर मतलब कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन मास ह्यूमिड हेयर ये क्या है हमारी एप्सोलूट एयर ह्यूमिडिटी ओके नेक्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ द एयर पार्सल इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें क्या है जैसे कि ये इतनी हमारी एयर ठीक है अब इसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं ये क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एप्सलूट में क्या था एक वॉल्यूम लेके हम उसमें देखते हैं ठीक है जैसे पूरा इतनी ये एयर पार्सल है इसमें से हमने यूनिट वॉल्यूम ठीक है उसमें हम देखते हैं एप्सलूट और इसमें हम पूरा टोटल एयर में देखेंगे टोटल पूरे एयर पार्सल में देखेंगे कि कितने वाटर वेपर प्रजेंट हैं ओके okay. सो so, दिस मेजर द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोमीटर ऑफ एयर ग्राम पर के जी इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यूनिट ठीक है इसको हम कैसे मेजर करते हैं ग्राम पर के जी ओके मान लीजिए हंड्रेड ग्राम हमारी जैसे ये एक एयर है ठीक है इसमें हंड्रेड ग्राम हमारी वाटर वेपर हैं ठीक है अपॉन थाउजेंड ग्राम एयर में ओके okay? तो ये होगी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसको हम कैसे मेजर करेंगे ग्राम पर केजी में ओके द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर ओके वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर ठीक है अब एक आता है पॉइंट मिक्सिंग रेशियो सो द मास ऑफ वाटर वेपर रिलेटिव टू द मास ऑफ द अदर गैसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या है कि वाटर वेपर का मास ठीक है वाटर वेपर का मास अपॉन टोटल एयर ठीक है यह है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बट मिक्सिंग रेशियो में क्या होगा वाटर वेपर अपॉन ड्राई एयर ओके ड्राई एयर कौन सी है जिसमें हमारे गैसेस आ, आ जाती हैं कौन कौन सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन ई ठीक है सिर्फ वाटर वेपर को छोड़ के बाकी जो गैसेज आएंगी वो ए, कैसी होंगी ड्राई एयर ठीक है सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या क्या होगा ऑल गैसेस ठीक है एयर में ऑल गैसेस होंगी इसमें ड्राई एयर भी होगी बट मिक्सिंग रेशियो में क्या होगा ओनली ड्राई एयर ओके नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा मोस्टेड ओके इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच वाटर वेपर इज़ इन अ वाटर एयर मिक्सचर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल ओके देखिए अब इसमें क्या होगा मान लीजिए ये एक एयर पार्सल है ओके okay? अब इसमें कितने वाटर वेपर प्रजेंट हैं अभी ठीक है और इसमें कितने और होल्ड हो सकते हैं ये क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एक एयर में कितने वाटर वेपर अभी प्रेजेंट हैं और इसमें और कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की ओके okay, सो so वो हम किस में देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आई होप समझ आ गया हो द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एज फॉलो क्या है एक्चुअल वाटर वेपर डेंसिटी अपॉन सेचुरेशन वेपर डेंसिटी इंटू हंड्रेड ठीक है एक बात याद रखनी है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा हम परसेंट में निकालेंगे और परसेंट में देखेंगे ठीक है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हंड्रेड हुआ है ओके एक्चुअल वेपर डेंसिटी मतलब कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं अभी और सेचुरेशन वेपर डेंसिटी और कितने होल्ड कर सकती है एयर ठीक है मल्टीप्लाई हंड्रेड ये है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब एक पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट व्हाट इज ड्यू पॉइंट सो द ड्यू पॉइंट इज़ द टेम्परेचर वैन एयर रीचेज हंड्रेड परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओके ठीक है जैसे कि ये एक एयर पार्सल है और इसमें वाटर वेपर प्रजेंट हैं कितने प्रजेंट हैं पूरे हंड्रेड परसेंट वाटर वेपर इसमें प्रजेंट है मतलब ये एयर हंड्रेड परसेंट वाटर वेपर होल्ड किए है हुए हैं तो ये पॉइंट इसको हम क्या बोलेंगे ड्यू पॉइंट ओके ड्यू पॉइंट कब आता है जब हंड्रेड परसेंट वाटर वेपर प्रजेंट होते हैं एयर में ओके okay? और ड्यू पॉइंट आने के बाद क्या होता है प्रेसिपिटेशन शुरू होने लगता है ठीक है अब जैसे कि एयर की कैपेसिटी है होल्ड uh, करने की ठीक है इसमें पूरे हंड्रेड परसेंट वाटर पेपर प्रेजेंट हैं ओके तो अब क्या होगा कैपेसिटी से ज़्यादा अगर इसमें वाटर पेपर हुए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ठीक है और बारिश होना शुरू हो जाएगी ठीक है सो ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर वैन एयर रीचेज हंड्रेड परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओके अब एक बात याद रखनी है कि जब हम एब्सलूट ह्यूमिडिटी पड़ेंगे तो उसमें हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा ठीक है हम टेम्परेचर को कॉन्सटेंट रखेंगे ओके okay? और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा टेम्परेचर हम चेंजिंग नहीं करेंगे ओके बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा ठीक है और टेम्परेचर वेरी करेगा तो ह्यूमिडिटी भी ऊपर नीचे होगी वेरी करेगी ठीक है अब देखिए इससे समझते हैं हम आगे जैसे ये है एयर पार्सल ओके इसमें कितना प्रेजेंट है हंड्रेड परसेंट वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है टेम्परेचर कितना है टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया टेन से कितना किया ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस किया ओके तो इसमें वाटर वेपर हमने कांस्टेंट रखा ठीक है सिर्फ क्या किया टेम्परेचर इंक्रीज़ किया टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे ठीक है तो वाटर वेपर हमने कॉन्स्टेंट रखे उतने उसको चेंज नहीं किया ठीक है तो क्या होगा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई क्यों कम हो गई क्योंकि वहाँ पे 100 परसेंट वाटर वेपर थे ठीक है एयर पूरा 100 परसेंट होल्ड किए थी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ी तो ह्यूमिडिटी कम हो गई ओके अब और टेन डिग्री इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी बट वाटर वेपर हमने कांस्टेंट रखे तो जो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो गई कम हो गई ओके और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम क्यों हुई क्योंकि एयर की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई ठीक है और जो पार्टिकल्स हैं वो फैल गए और पार्टिकल्स लेस डेंस हो गए तो ये कितनी हो गई ट्वेंटी एट परसेंट डिक्रीज़ हो गई कैसे टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे ओके तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही एयर की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और डेंस पार्टिकल्स थे गैस के और जो कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे ठीक है दूर दूर हो जाएंगे और पार्टिकल जैसे ही दूर दूर होंगे तो क्या होगा हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी ओके okay? तो so आज की वीडियो में हमने देखी ह्यूमिडिटी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेडिएशन एंड विंड ओके सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स लाइक दिस थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे